हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो दोस्तों, फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी को लेके एक साल का। तो उस एक साल में हमने अलग अलग चीज़ें फेस करी, जो मेरा पॉजिटिव पार्ट्स थे, जो पॉजिटिव मुझे लगा गाड़ी के बारे में मैंने वो भी बताया आपको, जो नेगेटिव्स थे वो भी मैंने आपको बताया है। इन वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से। आज हम बात करेंगे जो इस एक साल में मैंने इस गाड़ी को अलग अलग कंडीशंस में चलाया है, खास करके अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफ रोडिंग की। आपने मेरा कुछ व्लॉग्स देखे होंगे, उस व्लॉग में अच्छे व्यूज़ भी आए थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग जानना चाह रहे हैं कि ऑफ रोडिंग इसकी कैसी परफॉर्मेंस है अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हैं यू व्लॉग्स। चलिए बातें करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी बनी ही नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। ये गाड़ी सिर्फ नॉर्मल रोड्स पर चलाने के लिए है। लेकिन अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशंस की बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको किसी दिन अगर बाय चांस गाड़ी को अगर ऑफ रोडिंग में ले जाना पड़ा, किसी दिन अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, किसी दिन आपको रोड से उतर के कच्चे रास्ते पर गाड़ी को चलाना पड़ा, तो क्या गाड़ी इस चीज़ में साथ देगी? हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। ऑफ रोडिंग की बात पे आने से पहले जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सस्पेंशंस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2016, 17 और 18 में जो पहले बलेनो आती थी, उसके सस्पेंशन से बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी। इवन लोगों ने तो आफ्टर मार्केट उनको चेंज भी करवाना पड़ा, वो इतना बुरा उनका परफॉर्मेंस था। लेकिन 2019 फेसलिफ्ट के बाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ये डेल्टा मॉडल है और 2019 फेसलिफ्ट का मॉडल है, तो हम उसी की बात करेंगे और समझते हैं कि आखिर क्या किया मारुति सुजुकी ने। 2016, 17 और 18 में जो सस्पेंशन थे वो थोड़े स्टिफ थे, पीछे वाले पैसेंजर्स को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, गाड़ी बिल्कुल स्टिफ रहती थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी को पता चल चुकी थी, तो उन्होंने चुपचाप बिना इसको ज़्यादा प्रमोट किए, बिना ज़्यादा इसको बताए हुए, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस चीज़ को कि उनके सस्पेंशन बुरे थे, तो उन्होंने क्या किया 2019 में चुपचाप चुपके से अपने सस्पेंशन को बेटर कर दिया। यस, बेटर कर दिया, बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सस्पेंशन बहुत ठीक हैं, अच्छे हैं। आप इनसे अपना जो रोज़मर्रा का यूज़ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निकाल पाएंगे, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सस्पेंशन बहुत बुरे हैं। हाँ, अगर आप लगातार जैसे अभी आप नेक्सॉन में घूम के आ रहे हैं और नेक्सॉन से आप तुरंत उतर के बैठ गए बलेनो में, तो आपको कुछ डिफरेंस महसूस होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं तो कभी आपको इससे महसूस नहीं होगा कि भाई बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन है या उतने अच्छे सस्पेंशन नहीं हैं। आपके रोज़मर्रा के कामों में सस्पेंशन बहुत अच्छा आपकी हेल्प करेंगे। तो ये थी सस्पेंशन की बात। अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आप 2019 के बाद यानी कि 2020 में अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको सस्पेंशन कैसे मिलने वाले हैं। अब आते हैं सीधे हम लोग ऑफ रोडिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आपको पता है कि गाड़ी जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर्स चल चुकी है लास्ट वन ईयर में, लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम उस टाइम पे गाड़ी को नहीं चला पाए थे काफ़ी टाइम तक, अराउंड 3 महीना जो था गाड़ी खड़ी ही थी घर पे, सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट होती थी। तो उसको अगर हम हटा दें तो बाकी बचे हुए जितने भी महीने थे उसमें हमने गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाया है। तो उस एक साल में, उस 10,000 किलोमीटर्स में गाड़ी लगभग, अगर हम बात करते हैं ऑफ रोडिंग की, तो मुश्किल से 50 किलोमीटर शायद हुई होगी। लेकिन उस 50 किलोमीटर्स में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो उस वाले व्लॉग में, उस वाले वीडियो में आपने देखा होगा गाड़ी को हमने ऑफ रोडिंग किया था एक जंगल के अंदर। तो जंगल में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो रास्ता था वो कीचड़, साथ ही साथ पत्थर और बहुत अजीब सा रास्ता वो था।
तो प्रॉपरली अगर हम ऑफ रोडिंग की बात करते हैं तो ऑफ रोडिंग में जैसे अगर आपने जीप के या फिर बाकी जो SUVs होती हैं जो ऑफ रोडर ही होती हैं जो गाड़ियाँ, अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो वो पहाड़ों पर ऐसी ऐसी जगह पर चला रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। हमने वैसा भी ट्राई किया था इस गाड़ी के साथ। लेकिन उससे पहले हम अगर सिर्फ उसी ब्लॉक की बात करते हैं तो वो एक जंगल का रास्ता था। उस जंगल के रास्ते में एक्चुअली कोई पहले ट्रैक्टर ले जा चुका था जिसकी वजह से गीली मिट्टी होने की वजह से वहाँ पे गड्ढे बन चुके थे। तो किसी तरीके से हमने उस रोड पे, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने किसी न किसी तरीके से उसमें गाड़ी को चलाया। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, जो कि सफिशिएंट है अगर हम बात करते हैं उसकी नॉर्मल कंडीशंस पे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एक ऑफ रोडिंग गाड़ी की, तो आप देखेंगे कि कोई भी अगर SUV आती है तो वो कम से कम 200 mm से ऊपर ही उसका ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। तो हम इसको कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रीमियम हैचबैक है। हम इसको अगर ऑफ रोडिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे तो पक्का हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ इसमें कमी हमको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करते हैं कि गाड़ी का एक्सपीरियंस ओवरऑल हमको कैसा रहा, तो दोस्तों हम लोग एक्चुअली निकले थे, एक जगह है बलरामपुर के पास में ही नेपाल बॉर्डर पे, एक जगह पड़ती है, हम वहाँ जा रहे थे और उसी के लिए हमको सुहेलवा एक जंगल होता है उसको क्रॉस करना था। इससे पहले जितनी बार भी गए थे तो बाइक से गए थे और बाइक से जाना बहुत ही आसान हो जाता है वहाँ पर क्योंकि आप निकल सकते हैं ईजीली। लेकिन हमको इस बार पता नहीं था कि वहाँ बारिश होने वाली थी, बारिश हो गई थी पहले जिसकी वजह से वो रास्ता पूरा ख़राब हो चुका था। तो हम वहाँ पे अपनी कार लेके जब गए तो कार का वहाँ से निकलना नामुमकिन सा हो गया। तो प्लान हमारा था कहीं जाने का लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। उसके बाद हम लोग जंगल में ही थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर लास्ट में हम लोग एक देवीपाटन मंदिर चले गए। तो जिस चीज़ के लिए निकले थे यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि गाड़ी की लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमारा वो सफ़र जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि जितना भी गाड़ी ने साथ दिया वो परफेक्ट तरीके से दिया। आगे जाके हमारी ही हिम्मत नहीं हुई कि हम उसको उतने ख़राब रास्ते में डालें। जितना भी रास्ता वो था, यकीन मानिए बहुत ख़राब था, उसमें पत्थर थे, कीचड़ थे, इवन जो छोटी झाड़ियों के जो पार्ट्स थे उसके ऊपर से हमने गाड़ी को निकाला। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आवाज़ सुनिए आप, तो झाड़ियाँ जो टकरा रही है नीचे की तरफ उसकी आवाज़ ज़रा सुनिए। तो इस आवाज़ को उस समय सुन के काफ़ी बुरा लग रहा था, ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, कहाँ ले आया गाड़ी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पता चला कि अरे वो नॉर्मल स्टिक्स थे, नॉर्मल डंडियाँ थी, उसके बाद हमने फिर से जब वापस जा रहे थे तो मैंने इसको शूट किया है, इस वाली वीडियो को जो आपने अभी देखी। तो कहीं ना कहीं गाड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। 5 हम लोग पैसेंजर्स थे, उसके बावजूद गाड़ी जो थी वो ज़्यादा स्लिप नहीं हुई, कहीं भी धंसी नहीं। वहाँ पे जैसा माहौल था, जैसा कीचड़ था, इजीली गाड़ी धंस सकती थी। इजीली अगर कोई छोटी गाड़ी होती जिसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं होता, 170 से कम अगर किसी का ग्राउंड क्लियरेंस होता, 165, अगर आप एल्ट्रॉस लेके, मैं तो साफ साफ आपको बता देता हूँ, अगर आप एल्ट्रॉस लेके उस रास्ते पे उस दिन जाते तो आप जितना हम आगे जा पाए थे उतना आगे तो शायद नहीं जा पाते। तो ये बेनिफिट मिला हमको बलेनो का। सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये भी मिला क्योंकि गाड़ी अपने आप में थोड़ी सी हल्की है, जिसकी वजह से हमारे 5 पैसेंजर्स बैठने के बाद भी गाड़ी का वज़न उतना नहीं बढ़ा, कुछ नहीं तो 100 kg तो कम ही था अगर हम कंपेयर करते हैं उसको इसके कॉम्पिटिशन से। तो ईजिली वो हम लोग उस रास्ते से निकल गए। अब आते हैं इससे पहले जो हम लोगों ने ऑफ रोडिंग करी थी, और वो था उत्तराखंड में, जब हम लोग गए थे, आपने अगर नाम पता नहीं जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, रानीखेत से आगे जगह पड़ती है द्वाराहाट, उस द्वाराहाट से आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पांडुखोली, बेसिकली एक रीजनल प्लेस है। वहाँ पे जाने के लिए आप नॉर्मली अगर टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो वो गाड़ी को पहले ही रोड पे लगा के और वहाँ से अराउंड 5-6 kilometers का ऊपर को पैदल रास्ता होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमारे रिलेटिव का घर है तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना गाड़ी को ले जाया जाए आगे तक। हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ नॉर्मली गाड़ी आती हैं, लेकिन गाड़ी से उनका मतलब जो था वो था SUVs जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बुलेरो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं, मैक्स की बात करते हैं, वहाँ पर टैक्सीज जो होती हैं वो मैक्स और बुलेरो ही चलती हैं, तो वो नॉर्मली वहाँ तक ईजिली पहुँचा देती हैं क्योंकि रास्ता जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। वो रास्ता मिट्टी का भी नहीं है, वो रास्ता पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों का थोड़ा सा अलग सा रास्ता है जिसमें कुछ पत्थर ऊपर को निकले हुए हैं, कुछ वो अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे हम लोग उस दिन शूट तो नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं YouTube पे ये सब डाला करूँगा, लेकिन
उस दिन जब हमने गाड़ी को चलाया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस रास्ते में गाड़ी को चलाऊं, क्योंकि एक तरफ थी खाई और एक तरफ था पहाड़, तो मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वाले रास्ते पर गाड़ी को चला पाऊं। लेकिन हमारे त्रिपाठी जी जो हैं, उन्होंने उस दिन गाड़ी को चलाया और परफेक्टली उस रास्ते से वो हमको निकाल के ले गए। कहीं कहीं पे ग्राउंड क्लियरेंस कम है जैसा कि आपको पता है, तो बहुत दिक्कतें हुई, बहुत ही स्लो। मतलब नॉर्मली आप ये समझिए कि एक पैदल इंसान तेज़ जा रहा था हमसे, लेकिन हम लोग बहुत स्लो स्लो जा रहे थे बिकॉज रास्ता ही ऐसा था। और एक जगह पे पत्थर जो था उनकी तरफ टकराया भी, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पे पत्थर जो है वो टच ऑब्वियस सी बातें होंगे, थोड़ा खट खट सी आवाज़ें आएंगी, नीचे लगेगा, बुरा लगता है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। इससे पहले जो मुझको सस्पेंशन से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, वो हुई थी जब स्टार्टिंग में गाड़ी आई थी, तो इससे पहले मैंने सिर्फ टियागो चलाई थी और ऐसी गाड़ी चलाई थी जिनका थोड़ा सा व्हील बेस कम होता है, तो मैं इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाया इस गाड़ी का। और एक दिन एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर था तो मैं उस पर बिल्कुल सीधा ले गया और आगे का बम्पर हल्का टकराया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, हल्का टकराया। तो उस दिन से अब मैं समझ चुका हूँ कि गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है, तो ये चीज़ें मुझको फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो दोस्तों आप इस गाड़ी को इजीली इंडियन एनवायरनमेंट में, अगर आपको हल्का फुल्का कहीं पर कच्चा रास्ता अगर आपको क्रॉस करना है तो इजीली कर लेंगे। हार्डकोर अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ऑफ रोडिंग करें, तो भाई इतना तो आपको भी समझना पड़ेगा कि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी ही नहीं है, नाम ही इसका प्रीमियम हैचबैक है। तो इस गाड़ी को उसी तरीके से इसके मज़े लीजिए, लॉन्ग राइड्स पे जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन ऑफ रोडिंग से बच के रहिए। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो अगर आप किसी ऑफ रोडिंग वाली जगह पे हैं तो वहाँ पे आपको इजीली रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, रेंट पे एसयूवी लीजिए, उससे ऑफ रोडिंग कीजिए। इस गाड़ी को टॉर्चर मत कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसकी हमको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो विद दैट सेट दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करूं, तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से YouTube का एल्गोरिदम हेल्प करता है वीडियो को ग्रो होने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। विद दैट सेट, बाय बाय।